मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जो पानी का संकट है, वो पानी का संकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित संकट है। और बार बार अनुरोध करने के बाद भी, हर तरह का प्रयास करने के बावजूद, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है, वो दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रही है, पीने का पानी नहीं दे रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीने का पानी ना देना कितना बड़ा पाप है। इस भीषण गर्मी में, इस गर्मी के गंभीर संकट के समय में, दिल्ली के लोगों के पीने का पानी रोकना कितना बड़ा गुनाह है। और मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, आप कहते हैं आप प्रधान सेवक हैं, पूरे देश की सेवा करना आपका मकसद है, ये तो बताइए प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के लोगों का गुनाह क्या है, उनका अपराध क्या है, ये तो आप बता दीजिए। 2014 में आपको सात की सातों सीटें जिताने का काम दिल्ली के लोगों ने किया। 15 में केजरीवाल जी की सरकार बन गई, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, सारी योजनाएं लागू की। फिर भी दिल्ली के लोगों ने 2019 में आपको सात की सातों सीटें जिता दी। केजरीवाल ने अपनी सारी योजनाएं लागू रखी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री देते रहे। आपने पकड़ के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। दिल्ली के लोगों के मन में कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, बावजूद इसके दिल्ली के लोगों ने कहा हम सांसद के चुनाव में मोदी जी को वोट देंगे। आपने सात की सातों सीटें दिल्ली के लोगों ने फिर आपको जिता दी। तीन बार से दिल्ली के लोग लगातार आपको जिता रहे हैं, आप किस बात की सजा दे रहे हैं? आखिर गुनाह क्या है दिल्ली के लोगों का? आपने दो दो मंत्री बना दिए, एक भी मंत्री दिल्ली के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है कि हरियाणा की सरकार को कम से कम दिल्ली के हक का पानी तो देना चाहिए। हम कोई आपसे अतिरिक्त मदद नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे हिस्से से ज्यादा पानी आप हमको दीजिए, हम कह रहे हैं 100 MGD पानी जो दिल्ली के लोगों का हक है, अधिकार है, लिखा पढ़ी में है, जो हमको मिलना चाहिए, जो वर्षों से मिलता रहा है, वो आप क्यों रोक रहे हैं? पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने किया, जैसे ही सात सीट जीते, रिजल्ट आया 4 जून को, उसके बाद पहला काम किया दिल्ली के लोगों का पानी बंद करना। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के नाक के नीचे देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के लोगों के हक का पानी नहीं दिया जा रहा है। 28 लाख लोगों को पीने का पानी 100 MGD पानी से मिल सकता है और वो पानी हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। आप मटके फोड़ रहे हैं, यहां पे कर्मचारियों को मार रहे हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पूरे भाजपाई कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे कि इस पानी के संकट को दूर करने में हमारा सहयोग करें। कहीं पाइप किस कहीं वाटर की सप्लाई पाइपलाइन तोड़ने में जुटे हुए भाजपाई, आप पहचानिए इनको, कितने क्रूर लोग हैं ये, और आपके संकट के समय में कैसा आपको कुचलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों पे तो हमला हमला करते रहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा बीजेपी के लोग कितने क्रूर और निर्दयी हैं कि संकट के समय में उनका आपको सहयोग करने की कोई मंशा नहीं है। जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां जाके पाइपलाइन तोड़ते हैं भाजपा, जहां पानी की सप्लाई की व्यवस्था हो रही है वहां जाके कार्यालय तोड़ते हैं भाजपा।
रमेश विधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यालय तोड़ा। अब बताइए, डर के मारे कर्मचारी काम नहीं करेगा, दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? पीछे से हरियाणा से पानी रोक दिया, यहां ड्रामा कर रहे हो। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, प्रदर्शन करना है तो जाके हरियाणा भवन पे करो, बीजेपी के दफ्तर के सामने करो, और दिल्ली के हक का पानी लेकर आओ। हम कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहे हैं हरियाणा से, याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 28 लाख लोगों के बराबर पीने के पानी, 100 एमजीडी पानी को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रोका है, हम वही पानी मांग रहे हैं। फिर पानी का संकट दूर हो जाएगा। तो पानी का संकट खुद से प्रायोजित करते हो, प्रदर्शन करने का ड्रामा करते हो, इस काम में एलजी को भी शामिल करते हो, नायब सिंह सैनी को भी शामिल करते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं जप्त राष्ट्र की तरह, ये सब कुछ पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। और एक मंत्री के तौर पर आतिशी जी ने लगातार प्रयास किया दिल्ली के लोगों के लिए, कहां कहां नहीं जाकर चक्कर काटा, कहां कहां नहीं जाकर गुहार लगाई, एलजी से अनुरोध किया, अधिकारियों से कहा, केंद्र सरकार से कहा, विनती की, प्रार्थना की, हरियाणा सरकार से कहा, दिल्ली के लोगों का पानी दे दीजिए, 28 लाख लोगों के हक का पानी दे दीजिए, जो पानी हमको मिलता रहा है वो पानी दे दीजिए। लेकिन आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं, उनकी एक बात सुनने को भाजपा के लोग तैयार नहीं। आइए बैठिए ना, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आमने सामने बात कीजिए, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। और अगर दिल्ली के संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, तो दूध का दूध पानी का पानी देश की जनता और देश की मीडिया के सामने हो जाएगा। सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर एलजी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आपने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया, उसके बाद यहां नौटंकी, ड्रामा, प्रदर्शन, घड़ा फोड़ो, मटका फोड़ो, पटका डाल के मटका फोड़ो चल रहा है। और मजबूर होकर पहली बार इतिहास में होगा कि एक कैबिनेट मंत्री को, एक जल मंत्री को, जल के लिए, पानी के लिए, एक पानी की मंत्री को, एक पानी के संकट के लिए जब वो थक गई, हार गई, तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ रहा है। कल से आतिशी जी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है, दिल्ली के लोगों की प्यास के लिए, पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए जो दिल्ली के लोगों को तरसाया जा रहा है, उस सवाल को लेके आतिशी जी का कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। मैं इंडिया गठबंधन के सभी दलों से अनुरोध और विनती करूंगा कि इस लड़ाई में आतिशी जी का और आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। हम गलत हैं तो हमें सजा दीजिए, लेकिन अगर हमारे हक का पानी हरियाणा की सरकार से हमें मिलना चाहिए, और इस सवाल को लेकर अगर आतिशी जी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हैं, तो मैं दिल्ली की जनता से भी निवेदन और विनती करूंगा, आप अपनी लड़ाई के लिए आतिशी की लड़ाई में साथ आइए। पानी के संकट के खिलाफ, पानी के संकट के सवाल को लेकर जो एक अनिश्चितकालीन अनशन कल से शुरू हो रहा है, उसमें साथ दीजिए। और मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र मत बनिए, दिल्ली का जल संकट दूर करवाइए। दिल्ली के लोगों को आपको जिताया उन्होंने, इस बात की सजा मत दीजिए। जैसे ही उन्होंने जिताया, वैसे ही आपने दिल्ली का पानी बंद कर दिया। संजय जी, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथियों से भी आप मांग करेंगे, और कांग्रेस आपके साथ है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस जो है तो आप ही के आरोप लगा रही है, यदि 17,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, टैंकर्स गायब हो गए, तो इस तरफ आरोप लगा, साथ देंगे आपको? देखिए, हमारा काम है, हम सही तथ्य और सही जानकारी इंडिया गठबंधन के सभी दलों को देंगे। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि बीजेपी की राजनीति का शिकार मत होइए, अपनी आंखों को खोलकर, कान को खोलकर, पूरे बुद्धि और दिमाग से जो सच्चाई है उसको जानिए। मैं तो मीडिया के लोगों से भी कहता हूं,
जो सच्चाई है उसको जानिए, अगर हमारी गलती है हमें सजा दीजिए, लेकिन जब हमको हमारे हक का पानी ही नहीं मिलेगा, जो दिल्ली के अधिकार का पानी है वो पानी मिलेगा ही नहीं, तो आप मुझे बताइए फिर ये जल संकट तो बीजेपी ने प्रायोजित किया है। संजय जी, हरियाणा सरकार कह रही है कि हम आपके हिस्से से ज्यादा पानी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये कहते हैं कि हिमाचल पानी दे हमें, क्या सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार जाके ये कही है हरियाणा हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा, ये अभी तक स्टैंड क्यों नहीं? ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। नहीं, वो जब हम कह रहे हैं कि 100 MGD हमारे हक का पानी हमको नहीं मिल रहा है तो ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, ये कहीं मैं अपने मन से या कोई भी मंत्री अपने मन से कह नहीं सकता। पानी जो हमको मिलता रहा है, 100 MGD पानी हमको कम मिल रहा है, तो जब पानी कम मिल रहा है तो ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित संकट है। कोर्ट में भी अपना पक्ष वकील रख रहे हैं जो हमारी सरकार की तरफ से। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे नीट को लेके, रेगुलरिटीज को लेके, और कल जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसको भी रद्द कर दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा के सरकारों में देश के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश को भाजपा ने पेपर लीक देश बना दिया है। गुजरात में हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, बिहार से खबरें आ रही हैं कि वहां पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, उसमें किसी मंत्री का भी नाम आ रहा है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होता रहता है, नीट का पेपर लीक हो गया, जेईई का पेपर लीक हो जाता है, एनटीए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है उसके अधीन होने वाले परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, तो कोई जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है या नहीं है, शिक्षा मंत्री जी की है या नहीं है? कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, कभी नीट का पेपर लीक, कभी जेई का पेपर लीक, कभी क्लर्क का पेपर लीक, कभी चपरासी का, मतलब हर चीज का पेपर लीक हो रहा है। पिछले 2 साल में आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे, करीब करीब 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। जितना इस देश की जनता बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी पेपर लीक का चोट देती है उनको बदले में। अब बताइए, यूजीसी का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, नीट को लेके बहाने कर रहे थे, अब तो लड़के सामने पकड़ के जो सामने आए हैं वो कह रहे हैं कि हां साहब, हमको एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था। तो जब एक दिन पहले पेपर मिल गया था, पेपर लीक हो चुका था, तो नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है? नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और ये कितना बड़ा घोटाला है। मैंने जंतर मंतर पे भी कहा था, 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए। आप मुझे बताइए, कुल 48 सीट जनरल कैटेगरी की एम्स में है, 67 बच्चे टॉप कर गए। अगर वो कहें कि भाई हमें दिल्ली एम्स, हम तो टॉप किए हैं, हमें दिल्ली एम्स में जगह दीजिए, सीट ही नहीं है वहां पे। आपने 718-719 अंक दे दिया नीट में, जबकि 718 और 719 अंक आप दे ही नहीं सकते। एक प्रश्न छोड़ने पर 4 अंक घटता है, एक प्रश्न गलत करने पर 5 अंक घटता है, 715 अंक हो सकता है, 716 अंक हो सकता है, 718 और 719 अंक कैसे हो सकता है? अब आइए, वो कहते हैं हमने ग्रेस मार्क दे दिया। बड़ी हैरानी की बात है
कोई भी परीक्षा आप देते हैं उसमें परीक्षा के नियम लिखे होते हैं। कल मुझसे छात्र मिलने आए थे नीट के, मैंने पूछा जो फॉर्म आप लोगों ने भरा उस फॉर्म में कहीं ये लिखा था कि समय अगर आपको कम मिलता है या कोई परिस्थिति पैदा होती है तो उस केस में आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। बच्चों ने कहा कहीं नहीं लिखा था। ना उनके अभिभावकों को पता है, मां बाप को पता है कि कोई ग्रेस मार्क का सिस्टम इसमें है, ना ही बच्चों को पता है कि इसमें कोई ग्रेस मार्क का सिस्टम है। आप कह रहे हैं 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है। तो मेरा सवाल यह है कि यह पूरी की पूरी परीक्षा जो एक फ्रॉड है। अच्छा हां, एक और मजेदार बात, एक बच्ची है जो फिजिक्स में फेल की हुई है, गुजरात की, और यहां वो टॉप कर रही है नीट के एग्जाम में। क्या यह सामान्य घटना लगती है? एक सेंटर है गुजरात में गोधरा का, उस गोधरा के सेंटर पे बिहार का बच्चा जाके भर रहा है, महाराष्ट्र का बच्चा जाके बैठ रहा है फॉर्म भर रहा है, कर्नाटक का बच्चा जाके भर रहा है, और गोधरा के सेंटर का एग्जाम कराने वाले लोगों के पास करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। तो गुजरात क्या पेपर लीक की फैक्ट्री बन गई है? गुजरात में क्या पेपर लीक का धंधा सबसे चरम पर है? नौजवानों का भविष्य बर्बाद करके आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कीजिए। और मजेदार बात, बहादुरगढ़ में दो सेंटर हैं, उन दो सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए। '20, '21, '22, '23 अगर आप देखेंगे किसी साल में 3 बच्चे टॉप किए, किसी साल में 1 बच्चे टॉप किए, इस बार 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। कह रहे साहब ग्रेस मार्क दिया। बहादुरगढ़ में 2 सेंटर है, दोनों सेंटर में समय की बर्बादी हुई 20 से 25 मिनट। एक सेंटर के बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, दूसरे सेंटर के बच्चों को ग्रेस मार्क नहीं दिया गया। तो इसलिए इस पे और विस्तार से जब बात करूंगा, बहुत सारा फ्रॉड है। पार्लियामेंट में भी अगर बोलने का मौका मिलेगा तो ये सारी बात रखेंगे। इतना बड़ा फ्रॉड है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब आप सोचिए 620 से लेके 720 अंक तक पाने वाले बच्चों की संख्या, और 520 से लेके 620 अंक पाने वालों की संख्या। इसका भी मैं खुलासा करूंगा कि नीचे वाले जो हैं उनकी बुद्धि का स्तर तो वही है जो पहले से आता रहा है। यानी जितने बच्चे आपको पिछले साल 520 से 620 अंक के बीच में मिलेंगे वो तो संख्या उनकी उतनी ही है, लेकिन जो टॉप करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ गई। कह रहे साहब इसलिए ज्यादा टॉप कर गए कि हमने 25% सिलेबस में कमी कर दी। तो भैया अगर तुमने 25% सिलेबस में कमी कर दी तो नीचे वालों का भी तो नंबर बढ़ना चाहिए, वो बराबर कैसे रहेगा? अचानक नीचे वाले बच्चे बुद्धिहीन हो गए, ऊपर वाले बच्चे बुद्धिमत्ता को प्राप्त हो गए। तो ये एक खुला सीधा भ्रष्टाचार है, घोटाला है, पेपर लीक है, और नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।
सौरभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णे मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। सौरभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णे मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।